हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शिशिर और आप देख रहे हैं लाइट हाउस चैनल को। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि किस तरह से पिक्चर के ऊपर आप लिख सकते हैं और वो जो आप लिखेंगे उसका जो फॉन्ट है वो किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दो वीडियो बनाए थे अलग से, जहाँ पे एक पहला वीडियो में आप सिर्फ जान सकते हैं कि पिक्चर के ऊपर आप कैसे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और दूसरे वीडियो में हम आपको बताए थे कि किसी भी फॉन्ट को अगर आप चाहते हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है क्रोम ब्राउज़र से, उसे डाउनलोड करके आप पिक्चर के ऊपर लिख सकते हैं। और तो इसके लिए हम दो अलग से वीडियो बनाए थे, जहाँ पर हमने पहले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी पिक्चर के ऊपर आप अगर कुछ लिखते हैं तो उसका जो फॉन्ट है वो कैसे आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरे वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो जिस ऐप से आप एडिटिंग कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं कुछ भी, वहाँ पे आप खुद का फॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन भी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपना मोबाइल का जो फॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपका नहीं लगेगा, मतलब ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका जो सेटिंग्स है मोबाइल है, वहाँ पर आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए इस वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो हेलो व्यूअर्स, अब हम आगे हमारा जो मोबाइल का स्क्रीन है वहाँ पे, तो हम पहले आपको ये दिखा देते हैं कि हमारा जो फोन का स्टाइल है वो कैसा है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम इस तरह से कुछ लिख के रखे हैं अभी तक, तो ये नॉर्मल फ्रंट जैसा ही दिख रहा है। मतलब मेरा जो सेटिंग का नॉर्मल फ्रंट है, बेसिक सा फ्रंट है, वही आप यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो अभी आपको हम दिखाएंगे कैसे इस फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब इस फॉन्ट को नहीं, पूरे मोबाइल का जो फॉन्ट है लिखा हुआ आता है वो सभी आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो अभी सेटिंग में जाके थोड़ा सा, बस थोड़ा सा नीचे आना है और आप देख पाएंगे यहाँ पे एक, ये देखिए यहाँ पे एक थीम का ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे एक थीम का ऑप्शन है और इस थीम के ऊपर आपको बस क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके पास थीम का जो मेन इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो आपका इंटरनेट जितना अच्छा होगा उतना जल्दी ये पेज लोड हो जाएगा। तो मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है तो नहीं हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, थीम के दो ऑप्शन के बाद एक तीसरा ऑप्शन है, ये देखिए फॉन्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, अभी उसमें आपको क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए, और इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि कैसे किस तरह से कितने देर पे आपका ये थीम लोड, मतलब फ्रंट लोड हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत से अच्छे अच्छे थीम का जो बैनर ऊपर में दिख रहा है आपको, वो अभी स्लाइड हो रहा है। तो नीचे भी कुछ है, टॉप है, सिलेक्टेड है, न्यू है, और भी नीचे आएंगे तो आपको बहुत से फ्रंट आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एडिटर का कुछ चॉइस है, मतलब अच्छे अच्छे वहाँ पे फ्रंट वहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है, सजाया हुआ है। तो वहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं और भी बहुत से अच्छे अच्छे आपको फ्रंट मिल जाएगा। तो हमारा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, और अभी हमें जो अच्छा लग रहा है, मतलब जो मुझे पसंद आ रहा है, तो ये वाला फ्रंट जो है मुझे अच्छा लग रहा है, तो हम इसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और उसका जो मेन इंटरफेस है उस फ्रंट का, वो आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये फ्रंट जो दिखा रहा है वो बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो मतलब साइज हो वो बहुत ही छोटा है, मतलब 400 KB का ही बस एक फाइल है, मतलब इस फाइल को आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो हमने अभी डाउनलोड पे लगा दिया है, तो ये अभी वेटिंग में है, तो ये डाउनलोड शुरू हो गया। तो दोस्तों, पहले तो हम यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ से कुछ भी फॉन्ट डाउनलोड करते हैं और अगर आपने फॉन्ट में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसे अप्लाई करने से पहले एक बात ध्यान पे रखिएगा। वो बात है कि अगर आप इस फॉन्ट को अप्लाई करते हैं तो आपका जो फोन है, मतलब आपका जो मोबाइल है, वो रिबूट होने के लिए आपके पास परमिशन मांगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन रिबूट हो, मतलब फॉन्ट चेंज हो, तो आप रिबूट के बटन पे क्लिक करके वो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और रिबूट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप जानते हैं, ये ऑटोमेटिकल ओपन हो जाएगा और जो पिछले वाला फॉन्ट था वो
नए फोन पे चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं अभी अप्लाई के बटन पे हम क्लिक करते हैं और क्या होता है। तो वहाँ पे जो अप्लाई का बटन है वहाँ पे आपको बस क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं और देखिए वहाँ पे अप्लाई के पहले ही आपको पास एक ऑप्शन आ गया, एक रिबूट का ऑप्शन आ गया। तो आप चाहते तो इसे ओके करके आप रिबूट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते कि फ्रंट आपका मोबाइल का चेंज हो तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो चलिए हम रिबूट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो व्यूअर्स अभी देखिए मेरा जो फ़ोन है वो रिबूट हो गया, और रिबूट होने के बाद मेरा फ़ोन पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब लोड होने में। तो चलिए आपको अभी दिखाता है इसका जो फ्रंट है वो कैसा हो गया। तो आप सिंपली ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रंट है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब हमने जो सिलेक्ट किया वो फ्रंट, तो फ्रंट चेंज हो गया। तो अभी हम आपको नोटपैड का वो पहला वाला जो लिखा था वहाँ पे लेके जाते हैं, और वहाँ पे देखिए कि जो फ्रंट का स्टाइल हो कैसे चेंज हो गया, मतलब पहले वाले से बिल्कुल अलग हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रंट को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर और अपने फ़ोन को बहुत ही कूल बना सकते हैं।